वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 13 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विज लगाते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न 2020 में होने वाली परीक्षाओं के लिए। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। जो फॉर्म है वो अगले मंथ आने वाले हैं, फरवरी में आ जाते हैं हर साल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, यह किसके जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में 12 जनवरी को, मतलब कल ही मनाया गया। ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस, उनके बर्थडे पर मनाया जाता है। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस तब मनाया जाता है जब स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन से राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया है और इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के लोगों के बीच एक महान जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है यह दिवस, ताकि उन्हें भारत के अनुष्ठान के महत्व के बारे में जानकारी मिल सके। इसका उपयोग लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ताकि उन्हें देश में उचित तरीके से व्यवहार करने के बारे में ज्ञान प्रदान किया जा सके। तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, देखिए हाल ही में ICC ने T20 रैंकिंग जारी की है। T20 मतलब इसमें 20-20 ओवर होते हैं। इसमें भारत के कितने खिलाड़ी जो हैं वो शीर्ष 10 में शामिल हैं? देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं होगा। एक तो होगा, प्रतिभाओं से भरा है भारतीय क्रिकेट टीम। तो 2 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, KL राहुल और विराट कोहली। और रोचक बात यह है कि KL राहुल जो हैं विराट कोहली से ऊपर हैं। तो देखिए, विराट कोहली जो है वो 9वें स्थान पर है और जो KL राहुल हैं वो 6ठे स्थान पर हैं। अगर बात की जाए पहले स्थान पर, शीर्ष स्थान पर कौन है, तो पाकिस्तान के बाबर आजम 879 रैंकिंग पर प्रथम स्थान पर, और ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच दूसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कर्नाटक द्वारा शुरू की गई यशस्विनी योजना है, किससे संबंधित है यशस्विनी योजना? देखिए, ये है किसान स्वास्थ्य बीमा योजना है यशस्विनी योजना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कर्नाटक में यह स्वास्थ्य बीमा योजना किसान सहकारी समिति और उनके परिवार के सदस्यों को सर्जिकल कवर की एक कम कीमत के उत्पाद जो है वो प्रदान करती है, और लाभार्थी का योगदान छोटा और सभी नेटवर्क अस्पताल में कैशलेस उपचार उपलब्ध हैं इस योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शहीद अशफाकुल्ला खां के नाम पर चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी? तो देखिए, सभी को पता चल गया होगा उत्तर प्रदेश में एक चिड़ियाघर बनने वाला है। शहीद अशफाक उल्ला खां के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार इसको बनाएगी और डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खां के नाम पर गोरखपुर में, कहाँ, गोरखपुर में एक चिड़ियाघर बनाने का फैसला किया है। 1925 में अंग्रेजों ने अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी थी रामप्रसाद बिस्मिल के साथ। ये चिड़ियाघर जो है वो 121 एकड़ में बनेगा और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने चिड़ियाघर बनाने के लिए 234 करोड़ रुपए का बजट भी जुटा लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए नामांकन किया गया है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 PV सिंधु नहीं है, दीपा कर्माकर नहीं है, सानिया मिर्जा भी नहीं है। इसका आंसर है रानी रामपाल। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी की खिलाड़ी हैं, यही है रानी रामपाल। तो हाल ही देखिए, हॉकी की संचालक संस्था फिश ने भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया है। हॉकी इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महासंघों द्वारा इस पुरस्कार के लिए 25 खिलाड़ियों का नामांकन किया गया है और फिच ने रानी के शानदार प्रदर्शन, उनकी अगुवाई करने की काबिलियत को देखकर उनका नाम जो है इस पुरस्कार के लिए शामिल किया गया। रानी रामपाल महिला हॉकी इंडियन टीम की कप्तान। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस मठ की यात्रा की है? तो देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ की यात्रा पर थे। इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, पूछा जा सकता है परीक्षाओं में बेलूर मठ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बेलूर मठ को एक तीर्थ स्थल बताते हुए कहा कि हावड़ा जिले में स्थित रामकृष्ण मिशन के वैश्विक मुख्यालय की यात्रा करना उनके लिए घराने जैसा है। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, UPSC सिविल सेवा 2020 के लिए भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि बेलूर मठ जो है पहला स्टेटमेंट बनाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है और दूसरा स्टेटमेंट बनाएगा रामकृष्ण मिशन
रामकृष्ण मिशन का ये है निवास स्थान है, इस तरह से बना सकता है प्रश्न। तो देखिए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मठ में एक रात बिताने का अवसर उनके लिए, वो आभारी हैं जो बेलूर मठ के संस्थापक उनके। और मोदी ने कहा कि यहाँ जो तीर्थ स्थल से कम नहीं है ये मठ, और मेरे लिए घर जैसा था ये अनुभव। और रामकृष्ण मठ एवं मिशन के अध्यक्ष ने उन्हें यहाँ रात बिताने की अनुमति दी। मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा कहा प्रधानमंत्री ने। तो यही है मोदी जी बेलूर मठ के व्यवस्थापकों या संस्थापकों से वाद विवाद करते हुए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में INS विक्रमादित्य विमान वाहक पोत पर उतरने वाला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है, यह है विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य, और यह है तेजस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए नौसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। समुद्र में चल रहे विमान वाहक पोत के डेक पर किसी भारत निर्मित लड़ाकू विमान की यह पहली लैंडिंग थी। इसी के साथ पिछले 20 वर्षों में भारत द्वारा विकसित की गई तकनीक और डिज़ाइन को मान्यता भी मिल गई। यही है तेजस, किस पर लैंडिंग की इसने? विक्रमादित्य पर। इम्पोर्टेंट है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू कर दिया है, भारतवासियों के इतने विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी अभी सरकार ने 10 जनवरी 2020 को, मतलब 2 दिन पहले ही, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है उसको लागू कर दिया। तो शुक्रवार से देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो लागू हो गया। शुक्रवार की तारीख थी 10 जनवरी। तो देखिए सरकार ने 10 जनवरी को गजट नोटिफिकेशन मतलब राजपत्र में प्रकाशन के जरिए इस कानून के लागू होने की अधिसूचना जारी की है। इसमें गृह मंत्रालय ने कहा है केंद्र सरकार जनवरी 2020 के 10वें दिन को उस तारीख के तौर पर सूचित करती है जिस दिन नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। राजपत्र में प्रकाशित होने पर ही किसी कानून को लागू करने की आधिकारिक घोषणा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। शीर्ष पर है हरियाणा, उसके बाद है कर्नाटक, फिर केरल। सबसे खराब पोजीशन किसकी है? मणिपुर की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए केंद्र सरकार ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता पहल की प्रगति पर नज़र रखता है। बिजली मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली में कहा, नई दिल्ली में सूचकांक जारी किया। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है सूचकांक कहाँ जारी किया गया? नई दिल्ली में जारी किया गया। यह राज्य और स्थानीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता नीतियों और कार्यक्रम कार्यान्वयन में मदद करके राज्यों को ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु कार्यवाही पर राष्ट्रीय लक्ष्यों में योगदान करने में मदद करेगा। 10वां प्रश्न है, हाल ही में पेट्रोलियम रोड टैंकरों के लिए किसके लिए? पेट्रोलियम रोड टैंकरों के लिए किस प्रकार के लाइसेंस प्रदान किए गए हैं? इलेक्ट्रॉनिक चिप आधारित, मोबाइल चिप आधारित, पेपरलेस, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेपरलेस लाइसेंसिंग। कल की वीडियो अगर देखी होगी तो इस प्रश्न का उत्तर करेक्ट कर दोगे। तो पेट्रोलियम रोड टैंकरों के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार DPIIT के संवर्धन विभाग द्वारा पेट्रोलियम पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रोसेस शुरू किया गया है। और DPIIT ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PESO के माध्यम से प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत शुरू की गई है। शुल्क भुगतान सहित आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग होगी और इस तरह यह डिजिटलीकरण की और अग्रसर होगा। आवेदकों को ईमेल और SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया के तहत लाइसेंसिंग संबंधित अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जाएगा और आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा। अब है आज का सवाल, भारतीय रेलवे में कितने रेलवे स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित वीडियो सर्विलेंस प्रणाली VSS स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।